करनाल लोकसभा से भाजपा प्रत्याशी पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा आज अपने कार्यकाल की उपलब्धियां को गिनवाते हुए पानीपत की समालखा विधानसभा में रोड शो निकाला गया और भाजपा के पक्ष में वोट डालने की लोगों से अपील की। यह रोड शो सुबह करीब 9 बजे गांव मनाना से शुरू हुआ, जो समालखा विधानसभा के 15 गांवों से गुजरा और गांव पापटी में रोड शो का समापन हुआ। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने मनोहर लाल का फूल मालाएं डालकर जोरदार स्वागत किया। इस दौरान मनोहर लाल ने विपक्ष को भी निशाने पर लिया, कहा पहले के दौर में केवल भाई भतीजा बाद का बोलबाला था, आम जनता की सुनवाई नहीं होती थी, 10 साल पहले की सरकारों में नौकरियों की बोली लगती थी, नेता मंत्रियों के चक्कर काटने पड़ते थे, लेकिन इस सरकार में घर बैठे योग्यता के आधार पर नौकरी मिली है और सरकारी योजनाओं का फायदा घर बैठे मिलता है और सरकारी योजनाओं का पैसा आम गरीब आदमी के अकाउंट में डायरेक्ट पहुंचता है। रोड शो के दौरान कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा सरकार के माध्यम से आपकी सेवा हमने की है और इतने सारे परिवर्तन किए हैं जिससे लोगों के जीवन को सुखी बनाया जा सके। 10 साल पहले पूर्व की सरकारों में नौकरियां बिकती थीं। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।